जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है हावड़ा से साईनगर शिरडी तक जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस की। इस ट्रेन की दोस्तों आज हम पूरी जानकारी, जैसे ये ट्रेन कब चलती है, कौन कौन से स्टेशनों पे ठहरती है और इसमें कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिल जाएगी, इन सब की पूरी जानकारी आज हम आपको बताएंगे। बस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों हावड़ा से साईनगर शिरडी तक जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस जिसका ट्रेन नंबर है 22894, यह ट्रेन दोस्तों 5 राज्यों से गुजरती हुई अपनी यात्रा को पूरा करती है, जिसमें वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य शामिल है। यह ट्रेन हावड़ा से शिरडी की दूरी 1791 किलोमीटर की जर्नी को कवर करती है 29 घंटे और 25 मिनट में। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड रहती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की और इस ट्रेन को ऑपरेट करता है साउथ ईस्टर्न रेलवे। और यह ट्रेन दोस्तों हफ्ते में एक दिन चलने वाली एक वीकली ट्रेन है, जो हर गुरुवार को हावड़ा से रवाना होकर हर शुक्रवार को साईनगर शिरडी में अपनी यात्रा को पूरा करती है। इस ट्रेन के 14 होल्ट रहते हैं और यह एक सुपरफास्ट ट्रेन है। इस ट्रेन के दोस्तों अगर हम कोचेस की बात करें तो इसमें LHB श्रेणी के कोच लगते हैं, जिसमें AC2 टायर का कोच लगता है। AC2 टायर के कोच का हावड़ा से शिरडी तक का किराया रहता है 2750 रुपये। AC3 टायर के इसमें कोच लगते हैं जिसका किराया रहता है 1910 रुपये। इन दोनों कैटेगरी के किराए में दोस्तों GST, रिजर्वेशन, सुपरफास्ट और बेस्ट फेयर चार्ज शामिल रहता है। स्लीपर क्लास के कोच लगते हैं जिसका किराया रहता है 730 रुपये। इसमें GST को छोड़कर बाकी के सभी चार्जेस शामिल रहते हैं और सामान्य क्लास के कोच का किराया रहता है लगभग 400 रुपये के आसपास का। यह किराया दोस्तों हावड़ा से शिरडी तक का बताया गया है, परंतु समय के साथ इसमें परिवर्तन भी हो सकता है, इसलिए यात्रा करने से पहले इस किराए को एक बार आप चेक अवश्य कर लें। इस ट्रेन में आपको तत्काल और प्रीमियम तत्काल की सुविधा मिल जाएगी। कैटरिंग संबंधित सुविधाओं में इस ट्रेन में आपको ऑन बोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग की सुविधा मिल जाएगी। इस ट्रेन को पूरी यात्रा में सांतरागाछी लोको शेड का WAP-7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेकर जाता है। तो आइए अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस ट्रेन के सभी स्टेशनों को और उनके टाइम टेबल को हम विस्तार से देख लेते हैं। यह ट्रेन दोस्तों हर गुरुवार दोपहर 2:35 पर हावड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 20 से रवाना होती है। और दोस्तों हावड़ा रेलवे स्टेशन से रवाना होने के बाद में इस ट्रेन का जो पहला स्टॉपेज है वो है खड़गपुर जंक्शन। शाम के 4:15 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद शाम के 4:20 पर यह ट्रेन खड़गपुर जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है झारखंड के टाटानगर जंक्शन में शाम के 6:10 पर और 6:15 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है चक्रधरपुर शाम के 7:05 पर और 7:12 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, यहाँ पर इसका 7 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है उड़ीसा के राउरकेला जंक्शन में रात के 8:35 पर और करीबन 15 मिनट ठहरने के बाद रात के 8:50 पर यह ट्रेन राउरकेला जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 410 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है झारसुगुड़ा जंक्शन रात के 10:23 पर और 10:25 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जंक्शन में रात के 1:15 पर और करीबन 15 मिनट ठहरने के बाद रात के 1:30 पर यह ट्रेन बिलासपुर जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है रायपुर जंक्शन रात के 3 बजे और 3:05 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है दुर्ग जंक्शन सुबह के 4 बजे और 4:05 पर यह ट्रेन दुर्ग जंक्शन से भी रवाना हो जाती है, यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है महाराष्ट्र के गोंदिया जंक्शन में सुबह के 5:57 पर और 6:02 पर यह ट्रेन गोंदिया जंक्शन से भी रवाना हो जाती है, यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है नागपुर जंक्शन
सुबह के 8:20 पर और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद सुबह के 8:25 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। नागपुर जंक्शन तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1130 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है अकोला जंक्शन दोपहर के 12:19 पर और 12:24 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है भुसावल जंक्शन दोपहर के 2:20 पर और 2:25 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है मनमाड़ जंक्शन शाम के 5:05 पर और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद शाम के 5:10 पर यह ट्रेन मनमाड़ जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है कोपर गाँव शाम के 5:48 पर और 5:50 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर दोस्तों इस ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप है वो है साई नगर शिरडी। रात के 8 बजे यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1791 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। यह ट्रेन दोस्तों 2857/58 सांतरागाछी से आनंद विहार टर्मिनल तक जाने वाली वीकली ट्रेन के साथ अपने रेक भी शेयरिंग करती है। तो दोस्तों ये थी हावड़ा से साईनगर शिरडी तक जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेन की जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।